बैक इन माई चैनल श्रद्धा सिंह लॉ। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज रात तक हमारे घर बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ आने वाली है। एक्चुअली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी जान जाएंगे कि मेरी देवरानी संजना वो प्रेग्नेंट है। और आज मॉर्निंग में उन्हें थोड़ा पेन आया, फिर धीरे धीरे पेन अभी कंटिन्यू है तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद और वो एडमिट हो गई हैं। तो आज रात तक जो भी है वो हमारा नन्ना सा मेहमान जो भी है वो हमारी गोद में आ जाएगा, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फिलहाल अभी तो संजना हॉस्पिटल में जा चुकी हैं, एडमिट हो चुकी हैं और घर का जो भी सारा कुछ था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब सबको खाना खिलाना और क्लीनिंग और आद्यांत मेरा बेटा उसकी तैयारी करना वो सब फिनिश हो गया है। मैं भी रेडी हो गई हूँ नहा वहाँ के, क्या पता कब हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़े या मतलब देखने के लिए। बट अभी हॉस्पिटल जाने में मुझे टाइम है तो हॉस्पिटल जाने से पहले क्या क्या आज मॉर्निंग में हुआ मैं वो आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि हॉस्पिटल जाने के बाद संजना का क्या कंडीशन है, ऑपरेट होना है, सिजेरियन से बच्चा होना है या नॉर्मल डिलीवरी होगी कंटिन्यू पेन का अगर आगे बना रहा तो वो सब तो अभी किस तरीके से होगा बेबी ये फाइनल नहीं है, ये डॉक्टर बताएंगे कुछ घंटों बाद जैसा संजना का कंडीशन होगा। बट ये फाइनल है कि आज हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो चलिए फिर हॉस्पिटल जाने से पहले मैं मॉर्निंग का दिखा दूँ हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या हो गया हमारे घर में, उसके बाद फिर चलते हैं हॉस्पिटल। संजना को पेन होना स्टार्ट हो गया है, वैसे डेट तो था कि 31 को जाना है हॉस्पिटल, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको पेन मॉर्निंग में हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। तो मम्मी गई है डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की क्या करें लेकर आए या नहीं, और अभी भी मे बी पेन हल्का सा हो रहा है ना, देखिए आ गया कोई तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, नॉर्मल होगा या हाँ, तो मतलब अगर पेन होता ही रहा तब तो नॉर्मली होगा ऑब्वियस है, बट अगर पेन कभी कभी बहुत तेज हो रहा है, कभी कभी थोड़ा कम, कभी कभी जैसे खत्म भी हो जा रहा है, अभी फिलहाल हल्का हो रहा है, देखते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। बस वैसे तो सिम्टम्स नॉर्मल वाली है, अक्सर नॉर्मल में भी ऐसे ही पेन स्टार्ट होता है शुरुआत में, बस जो भी हो भगवान करे अच्छा हो, संजना भी हेल्दी रहे और जल्दी से हमारा नन्ना मुन्ना मेहमान इनके टमी से बाहर आके हम लोग के गोद में आ जाए। हम लोग बस अब नहीं वेट हो रहा जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने सुबह सारा काम खत्म किया, खाना बना के जल्दी जल्दी सबको खिलवाया, सफाई वफाई की, बस अब नहाना बाकी है मेरा, बहुत पसीना हो गया, बस अब जल्दी से संजना का गुड न्यूज आ जाए, दोनों लोग हेल्दी रहें। आप सब भी प्रे करना कि जो भी हो बस अच्छा ही हो। ये देखिए होने वाले पापा की तैयारी, मम्मी इस टाइम क्या फीलिंग आ रही है आपकी? उत्सव की तैयारी करो, नया मेहमान आने वाला है। हाँ बिल्कुल, उत्सव की तैयारी हो रही है, मैंने भैया के हॉस्पिटल जाने से पहले तो यहाँ पे है ये सब बैग रेडी जो हॉस्पिटल लेकर जाना है संजना और बेबी का, तो सब कुछ रेडी है, अब संजना जा रही है सब लोग लेके हॉस्पिटल। तो फिर ये लोग जा रहे हैं संजना को लेके हॉस्पिटल, संजना कहाँ गई? अच्छा तो ये है संजना, तो जाओ फिर ऑल द बेस्ट, जैसे होगा बताइएगा फिर। और अभी भी पेन हो रहा है? ठीक है, जैसा होगा बताइएगा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो देखा आप सबने कि हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या क्या हुआ, किस तरीके से फिर संजना हॉस्पिटल गई और अब टाइम आ गया है। ये देखिए मेरा बेटा आद्यान किसी तरीके से उसको बिजी कर रखा है, थोड़ा बहुत अपना रूम और सही कर लूँ, बट बच्चों के होते हुए रूम सही नहीं हो सकता, आप कितना भी सही कर लो। तो मैं अब थोड़ी देर में हम लोग कॉल आएगी तो जाएंगे हॉस्पिटल और देखते हैं क्या कैसे होना है सब कुछ। बस आप सब प्रे करना जो भी हो अच्छे से हो, हेल्दी हो, सब एक स्माइल बनी रहे और वो बाद में खुशी में बदल जाए। तो चलिए फिर अब हॉस्पिटल चल के फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और काफी टाइम भी हो गया, शाम हो गया है, 5 बज रहे हैं और चाय यहाँ पे सबको डैडी को शाम का नाश्ता करा दिया है, अब वहाँ सबके लिए चाय रेडी करूंगी, तो चलिए हॉस्पिटल चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर।
आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल और यहाँ पे सब कुछ चाय नाश्ता करा दिया क्योंकि संजना एडमिट है। तो संजना अभी ठीक है? संजना ठीक है, चल रही है, मुझे भैया बैठे हैं। और मम्मी है आद्यांश को भी मैं ले आई यहाँ पर दादी के पास इनके। तो मम्मी कैसा एक्साइटमेंट हो रही है कि बस सब कुछ देर में आने वाला है? हाँ हो रही है, अभी जब डॉक्टर साहब से बात कर देता। मम्मी को घर से बहुत टेंशन है, घर से भी पूछा तो बहुत टेंशन है, यहाँ पर बहुत टेंशन है। कहाँ आए हो? अरे वाह, ये हॉस्पिटल आए हैं, पता है कि ये हॉस्पिटल आए हैं। तो अब टाइम आ गया है, जा रही है संजना और बस अब बहुत थोड़ी देर में मेहमान आने वाला है और सब लोग लेके आए हैं, तैयारी हो रही है नीचे चलने की होटल में। तो चलो चलते हैं फटाफट से। सो अभी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है ताकि जल्दी से हम लोगों के गोद में एक नन्हा मेहमान आ जाए। तो संजना पहुंच गई ऑपरेशन थिएटर में, तो ओटी के अंदर हम लोग बस वेट कर रहे हैं बाहर और ओटी के अंदर संजना जा रही है। सो संजना अभी जस्ट ओटी में नहीं है और अब यहाँ पे एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई है। प्रे कर रहे सब लोग जो भी हो अच्छा हो, संजना हेल्दी रहे, बेबी हेल्दी रहे, मम्मी के चेहरे पे सब खुशी के साथ टेंशन झलक रही है सब लोग खुश, दादी खुश, बड़े पापा, दादा, पापा, भैया क्या हो गया? तो देखिए हमारे घर जो नन्हा मेहमान आने वाला था वो आ गई, हमारी प्यारी छोटी सी गुड़िया, छोटी सी परी है और इसको थोड़ा भी तैयार किया जा रहा है, कपड़े वपड़े पहना के रूम में आ गई है। दादाजी खुश हो गए, दादी फिर से आप लोग दोबारा दादा दादी बन गए, मुबारक हो मम्मी डैडी, थैंक यू। और ये देखिए दत्ता इनके परेशान हैं और देखिए डैडा को नए नए बने में पापा को ये और संजना अभी थोड़ा सा दवा के असर में है लेकिन तब भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया। तो ये देखिए पापा जी का प्यार नजर नहीं हट रही मनु भैया की, तो तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग और हमारे घर एक नन्ही सी परी आ गई है और आप सब ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना मेरी प्यारी परी को और हो सो आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो और ऑब्वियसली पसंद आया होगा, इतनी प्यारी सी नन्ही सी परी को देखने के बाद सभी के चेहरे पर स्माइल आ गया होगा, बहुत ही क्यूट है। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, समझिएगा क्योंकि हमारे घर भी एक नन्हा सा मेहमान आया है, वीडियोज़ थोड़ा लेट हो सकता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी।